कर दिए हल दस केड़ा मसला निक्की अज गल चकना नी असला पहल ना करा मैं ना ही राजी लड़के कर दस कहन नी नब्ज फड़के अख जे कोई रखू मेरी जान दे उते अख दे इशारे नाल मोड़ दे दुख दसना नी सारे तोड़ दे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ठीक सामने खड़ी है टाटा 3718 VS4 मॉडल और टाटा 3118 VS4 मॉडल। दूसरी जो पहले वाली गाड़ी आप देख रहे हो वो बिहार की गाड़ी है, गया शहर की, और जो ये वाली गाड़ी है 3118 वो मणिपुर की गाड़ी है। तो इस गाड़ी दो वीडियो में हम आपको दोनों गाड़ी का रिव्यू करवाएंगे। गाड़ियाँ यह दोनों ओवरलोड के लिए बनी हुई है, 3718 भी और 3118 भी। और सबसे पहले इसका फ्रंट से शुरुआत करते हैं दोनों गाड़ियों के। ऐसे इस गाड़ी का फ्रंट बना हुआ है, जो टूल बॉक्स बना हुआ है इस गाड़ी का वो 20 इंच का बना हुआ है फुल हाइट के साथ, क्योंकि इसकी बॉडी 7.5 फिट की है तो उसी कारण। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऊपर स्टील बॉक्स टूल बॉक्स बना हुआ है बिल्कुल ठीक, नेशनल परमिट, पूरा जो फ्रंट बना हुआ है गाड़ी का वो सारा स्टील का बना हुआ है। और जो खंडे लगे हुए हैं, सीढ़ी लगी हैं, वो लोहे की लगी हैं, उस पर रेडियम का काम हुआ हुआ है। आगे लोहे के राजस्थानी डंडे लगे हुए हैं, इसी वजह से यहाँ आप देख सकते हो जो टोटल है लोहे का काम है, उस पर रेडियम का काम किया गया है टोटल। साथ में डबल LED लाइट्स हमने लगा कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो डबल LED हमने लगा कर दी है। डेकोरेशन गोल्डन टच गाड़ी को हम दे रहे हैं, आई कैट्स वगैरह, रेडियम शोपर रेडियम। और साथ में इस गाड़ी में आप देख सकते हो जैसे फ्रंट का जो ऊपर भोलेनाथ जी के परिवार का मंदिर बना हुआ है बिल्कुल नेशनल परमिट, ओम शिवाय जय माता दी, स्टील के खंडे लगे हुए हैं, स्टील के पाइप, स्टील की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं बिल्कुल तैयार, जय माता दी बोर्ड लगा हुआ है, टाटा स्टील का काम हुआ हुआ है। यहाँ पे हमारी वर्कशॉप पंजाब में डिस्ट्रिक्ट पटियाला सिटी समाना पड़ता है, वहाँ पर हमारी वर्कशॉप है। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हो 9041144223। जो टोटल कैबिन के साइड का व्यू की बात की जाए तो टूल बॉक्स इसका बना हुआ है और स्टील का काम ऊपर हुआ हुआ है। यहाँ पे आप साइड मिरर लगा हुआ है, चढ़ने के लिए हैंडल लगा हुआ है, पूरी पत्ती का काम की अच्छी तरह से हुआ है। जेड बनाया गया है गाड़ी में और जेड में रेडियम टेप, ओरिजिनल रेडियम टेप 3M लगाई हुई है। स्टील का व्हील टॉप लगा हुआ है और नीचे स्टील लगी हुई है टोटल, और मगराट लगे हुए हैं सभी पैरों पर। बॉर्डर बना हुआ है, नीचे बॉडी की बात की जाए तो ऊपर भी बॉर्डर रहेगा ब्लू, लाइट ब्लू, और एशियन पेंट का हम पेंट किया है गाड़ी में। 4 एंगल डबल है, टोटल 11 बत्ते इस गाड़ी में डाले हैं, और जो टोटल एंगल लगा हुआ है वो सारा आप देख सकते हो ओवरलोड गाड़ी में। सेल का एंगल लगा हुआ है 65/6 mm का, अंडरलोड में आदर्श का लगता है। तो ट्रिपल जाड़ा लगा हुआ है, साथ में पोनीज साथ में बनाई गई हैं। इसकी जो बॉडी की हाइट है वो 5 फिट की वो लगी हुई है चादर, और उसके ऊपर 2.5 फिट की लकड़ी लगी है, टोटल 7.5 फिट की इसकी बॉडी की हाइट है अंदर से। और लकड़ी का फ्लोर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो मणिपुर के पहाड़ बिल्कुल ठीक सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बत्ते यहाँ पर डाले हुए हैं, डाला जो इसका है वो 33 इंच का डाला बना गया है, डबल स्पोर्ट दोनों तरफ दी गई है, और पीछे 10 mm की यहाँ पे चक प्लेट चादर लगी हुई है ताकि जेसीबी वगैरह आराम से धक्का लगा सके, किसी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। गिफ्ट 2019, इसका जो पीछे वाला बम्पर है वो लिफ्ट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर सीनरी बनी है सुंदर डिज़ाइन के साथ बिल्कुल। इसी गाड़ी की दूसरी गाड़ी की बात की जाए तो इसका 42 इंच का डाला बना हुआ है, स्पेयर फट्टे 3 है, इस गाड़ी में 5 स्पेयर फट्टे आ रहे हैं। इसका डबल संगल्स का काम किया गया, डबल संगल लगाए गए हैं, पीछे डबलिंग का काम पूरी अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ पे भी 10 mm की जलो मतरी इसके पीछे वाली 10 mm की चॉकलेट चादर लगी हुई है ताकि जेसीबी वगैरह आराम से धक्का लगा सके। फिक्स जालीज बनी हुई हैं, टायरों का काम किया गया है। इस गाड़ी में कोई भी स्पेयर टैग खिड़की नहीं है, क्योंकि मणिपुर में कोई स्पेयर खिड़की नहीं रखता, इस वजह से यहाँ पर स्पेयर खिड़की नहीं मिलेगी गाड़ी में, दूसरी साइड भी इस साइड भी। और जो गाड़ी में फर्श लगा हुआ है मलेशिया साल का लगा हुआ है, 1.5 इंची का फर्श लगा हुआ है,
और यहाँ जोके की बात की जाए तो जो इसके जोके लगे हुए हैं गाड़ी में वो सारे मलेशिया से खुआ साल के लगे हुए हैं, मलेशियन साल, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। लकड़ी बिल्कुल सूखी लगी रहती है, लकड़ी का हम सूखी लगाने का हमें जो आइडिया है वो क्योंकि हमारी वर्कशॉप है खुली है बिल्कुल हमारे जैसे। ये देखो ये लकड़ी पड़ी है सामने, बिल्कुल यहाँ पे भी लकड़ी पड़ी है, धूप लग रही है लकड़ी को बिल्कुल आराम से। यहाँ पे आप देख सकते हो लकड़ी बिल्कुल धूप में, हमने ये लकड़ी पूरी स्टॉक में पहले गिराकर इसको सुखाने के लिए भेजी हुई है, और जो इसके पहले यहाँ पे लकड़ी पड़ी थी उसको हमने फिर अंदर लगा दिया, वो लकड़ी अब अंदर लग चुकी है। ये देख सकते हो ये लकड़ी बिल्कुल सूखी है, ये गाड़ी में लगेगी। और जो लकड़ी सुखाने के लिए रखी हुई है वो ये वाली लकड़ी है, ये लकड़ी अभी बिल्कुल सूख रही है। हमारे पास गाड़ियों का पूरा स्टॉक रहता है लकड़ी का, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक लकड़ी पूरी सुखाने के लिए छोड़ी हुई है, आराम से सूखती है धूप में, उसमें लकड़ी की मजबूती रहती है, पूरी क्वालिटी वर्क हम गाड़ी में करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस गाड़ी का साइड का है वहाँ पे आप ले सकते हो ट्रक बना हुआ है, टूल पर स्टील का काम हुआ हुआ है, मेहनत मेरी रहमत तेरी, और पूरा अच्छी तरह से पेंट हुआ हुआ, मेटेलिक पेंट हुआ है, और बॉडी इसकी 78 इंच की बॉडी है, 5 फीट की स्टील लगी हुई है, कवरिंग का काम किया गया है। कैबिन की बात की जाए तो मैं दोनों गाड़ियों का आपको कैबिन का व्यू आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आप देख सकते हो जो कैबिन है यहाँ पे, इस गाड़ी में आप देख सकते हो अच्छी तरह से जो पार्ट्स हैं वो पेंट किए हुए हैं, उसमें चादर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में क्या होता है, मणिपुर में शीशे कांच वगैरह तोड़ देते हैं पत्थर से, तो इस वजह से हमने चादर लगाई हुई है यहाँ पे पूरी हैवी, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं, साथ में म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, ब्लूटूथ जुड़ी हुई है, मैग्नेटिक बॉक्सेस साथ में दिए गए हैं दोनों तरफ ड्राइवर और कनेक्टर साइड के लिए, पानी पीने के लिए दोनों तरफ गिलास रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान जी का मंदिर बना हुआ है, फायर स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है गाड़ी में बिल्कुल ठीक सामने, और डबल लॉक लगा हुआ ऊपर बस चिटकनी नीचे, और नीचे तीसरा ताला भी लगा हुआ है दोनों तरफ कनेक्टर और ड्राइवर साइड। ये हम काम LED लाइट्स लगी हुए हैं यहाँ, इस लाइट में आप चेंज ओवर कर सकते हो कम ज़्यादा, ये जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। सामने भी ठीक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो, ब्लोअर को भी कवर किया हुआ है ये अच्छी तरह से, किसी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फुल विज़न रहता है, आगे व्यू रहता है अच्छी तरह से गाड़ी का। डबलिंग का काम अंदर से आप यहाँ पे देख सकते हो, वो गाड़ी की डबलिंग हुई हुई है। प्रेशर हॉर्न यहाँ पे गाड़ी का फिट किया गया है, और जो स्विच यहाँ पे लगाया हुआ है गाड़ी का। और दूसरी गाड़ी की बात की जाए तो हम आपको दूसरी गाड़ी का भी व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो दूसरी गाड़ी है इसमें टीक प्लाई का सनमाइका लगा हुआ है जो आजकल चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पायोनियर के इसमें स्पीकर लगे हुए हैं, टोटल बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ है गाड़ी में। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल चार्जर साथ में डबल सॉकेट वाला लगा हुआ है, ऑल आउट वगैरह आप यहाँ से इजीली चार्ज कर सकते हो। छत की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी सुंदर डिज़ाइन वाली छत बनाई गई है। यहाँ पे आप कनेक्टर साइड अपना सामान वगैरह रख सकता है, वाटर बॉटल के लिए यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, डबलिंग का काम हुआ हुआ है, गिलास पानी पीने के लिए और धूप बत्ती करने के लिए सामने लगा हुआ है। इसमें भी आपको साथ में दोनों बॉक्सेस मिलेंगे, मैग्नेटिक बॉक्सेस, टीके वगैरह चेंज करने के लिए जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको ढक्कन खोल कर आराम से आप टीके वो चेंज कर सकते हो गाड़ी में, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साइड इधर इसकी यहाँ पे आप कनेक्टर साइड आराम से देख सकते हैं, जो जैसे वो गाड़ी खड़ी है उधर आप देख सकते हो ठीक उसका बम्पर हमें दिख रहा है, वो ड्राइवर को इजीली विजिबल रहता है हमारे नीचे क्या आ रहा है, मोटरसाइकिल का स्कूटर वाला आ रहा है, कितनी दूर है कितनी नज़दीक है, तो बहुत ही अच्छी जजमेंट हो जाती है यहाँ से। नीचे सफाई वगैरह करने के लिए साथ में यहाँ पे छोटा ढक्कन दिया हुआ है ये वाला। गियर लीवर की बात की जाए तो पूरा एडजस्टेबल गियर लीवर है इस गाड़ी का, सीट का सोफ़ा कवर्स वाले सीट कवर्स हम गाड़ी में बना रहे हैं, पीछे सुंदर डिज़ाइंस आपको साथ में मिलेगा,
पंखा लगा हुआ 24 वोल्ट का 12 इंच का। ये सारा टोटल काम हम आपको करवा कर देते हैं, कोई भी काम आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाना पड़ेगा। टोटल मेटालिक पेंट गाड़ी में हुआ है, पूरा सारा काम सफाई से हुआ हुआ है। ये देख सकते हो आप, क्रॉस बने हुए हैं, कांटी लगी हुई है बिल्कुल। इसमें साइड पार्ट से लगे हुए हैं गाड़ी में, मोरन गिट्टी पर चलने के लिए ये गाड़ी बनाई गई है। इस गाड़ी में कोई खिड़की नहीं है, साइड खिड़की नहीं लगी हुई, कस्टमर की चॉइस रहती है वो नहीं लगवाई, मणिपुर में लगती नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, गाड़ी में लकड़ी और लोहा होता है जो हम पूरी क्वालिटी के साथ हम गाड़ी में लगाते हैं। ये जो आप देख सकते हो, ये हमारी दूसरी वर्कशॉप है। पहले वाली वर्कशॉप का आपको व्यू डाला हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दूंगा, और दूसरी वाली वर्कशॉप का ये आपको व्यू दिखा रहे हैं। बहुत ही खुली जगह, खुला मैदान है। इस वर्कशॉप का हमने इंस्टॉलमेंट किया है नया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इतना हमें प्यार दे रहे हो हमारे YouTube चैनल को, और हम आपको सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमें बस इतना ही चाहिए कि हम काम अच्छी तरह से काम करें, ताकि हमारे पास कस्टमर दूर दूर से कस्टमर जुड़े। आज जो हम गाड़ी को रिव्यू करवा रहे हो, मणिपुर की गाड़ी है, सबसे पहली पहली मणिपुर की गाड़ी इस वक्त हमसे बनकर जा रही है। इस वक्त मणिपुर रॉकेट गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से बनी है, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है गाड़ी में। इनकी दो गाड़ियाँ हमारे पास बनी हैं, बहुत ही खूबसूरती से पूरी हैवी लकड़ी लोहा पूरा काम बहुत ही बढ़िया हुआ है। कोई भी एक्स्ट्रा काम का इससे पैसा नहीं लिया। जो काम इस वीडियो में आपको बताया गया, प्रेशर हॉर्न, हेडलाइट, रेडियम, म्यूज़िक सिस्टम, सीट कवर, मोबाइल चार्जर, पंखा, ये सब काम, डबलिंग का काम आगे पीछे, ये सब काम हमने आपको करवा कर देना। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ऊपर से लकड़ी सबसे सूखी लकड़ी लगेगी गाड़ी में, पूरी साल की लकड़ी लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लकड़ी पड़ी है, साल की लकड़ी लगी हुई है। आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आकर हमसे देख सकता है। यहाँ पे साल की लकड़ी लगी है, बिल्कुल सूखी, सूखने के लिए रखी हुई है। जो सूखी लकड़ी है वो अंदर पड़ी है, जैसे ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सूखी लकड़ी है वो अंदर लगाई हुई है। यहाँ पे ये सूखी लकड़ी है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी। और ये वो वाली गाड़ी है, ये लकड़ी डली हुई है, ये भी सूखने के लिए रखी है। इसको जब वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये उधर जाएगी और इस नई लकड़ी यहाँ पे आ जाएगी। बहुत ही शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी।